कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में नियुक्त होने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भागीरथ चौधरी राजस्थान जोधपुर से पहले व्यक्ति हैं जो साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर हैं और वे पिछले दो दशकों से कृषि संबंधी रिसर्च और नवाचारों में काम कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि राजस्थान से जीरा, सौंफ, मिर्च और अनार के एक्सपोर्ट की प्रबल संभावना है। तो भागीरथ चौधरी जो बने हैं APEDA के विशेषज्ञ हैं और आपको बता दें कि जोधपुर से पहले व्यक्ति हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल ये दक्षिण दो दशक से ये कृषि संबंधी रिसर्च पर ये काम कर रहे हैं। राजस्थान में उन्होंने बताया कि जीरा, सौंफ, मिर्च और अनार की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जोधपुर के रहने वाले हैं भागीरथ चौधरी और सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी श्री CR चौधरी साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने पश्चिमी राजस्थान से मेरे जैसे व्यक्ति को जो कृषि और खाद्य पदार्थ और टेक्नोलॉजी के स्पेशलाइजेशन और उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मुझे APEDA का मेम्बर नियुक्त किया है। तो इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि पश्चिमी राजस्थान से पर्टिकुलरली नागौर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी खाद्य पदार्थ और कृषि के रिलेटेड जो स्पेशलिटी क्रॉप है उनको राजस्थान से उठा के देश से इंटरनेशनल मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरा भरपूर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।